अनफॉर्चुनेटली इस पिक्चर को पॉलिटिकल कलर देके ही इसको काफी लोगों ने पैन कर दिया महेश मंजरेकर जी ने फिल्म क्यों छोड़ा ऐश्वर्या को मिलता था अवॉर्ड एंडलीडसे वो मेरी पिक्चरों के साथ काफी हुआ है एक सपोर्ट बहुत कम मिली है डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग सपोर्ट भी एक परसेप्शन था आपका एरगेंस का वर्क अगेंस्ट यू हाँ बिल्कुल आपने जब इंडस्ट्री से सपोर्ट मांगा कि नहीं क्योंकि आपने कहीं कहा कि इंडस्ट्री से सपोर्ट नहीं मिला इस फिल्म के लिए नहीं।, नहीं इंडस्ट्री में क्या सपोर्ट मांगोगे आप आपने उंगली किया की हाँ, टीम के साथ, के साथ किया। आपने जिसम टू मर्डर थ्री किया भट्ट के साथ स्टैंप नहीं है आपके कि मैं रणदीप भूडा बॉलीवुड ए लिस्ट में आऊँ आई हैव नो लिस्ट आई एम इन द लिस्ट। दिस्टाउन को क्रिटिसाइज करी थी लेफ्ट राइट सेंटर आप टे की चोट खड़े हो गए आलिया के लिए। hmm. क्यों? बायोपिक्स में एक स्पीड का डायलॉग चलता है बायोपिक जल्दी खत्म कर लो वरना कोई और कर लेगा That's the fear के साथ जो आपके साथ ऑनेस्टली हुआ इन द बैटल ऑफ सारा आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कही थी कि जब आप डिफिकल्टीज में जाते हो इर्द गिर्द जो फैमिली होते हो उनको बहुत झेलना पड़ता है क्या हमारी भाभी लिन उन्होंने देखा आपको ये फेजेस में उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया आपका ये एंगस्ट बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत किया हाय मैं उन्नदीप हुडा और मैंने बड़े दिल से बातें की हैं अपने दोस्त सिद्धार्थ कनन के साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू हिज यू चैनल आई होप यू एंजॉय द चैट साल पहले हम लोग एक दूसरे से मिले थे हम लोग ने पार्टी की थी पुणे में <laughs> yes. तब भी मैंने वो जुनून देखा था <laughs> और आज मैं बहुत खुश होता हूं कि जब तुम जीतते हो भाई तो मुझे लगता है मैं जीता हूं so मैं ये शब्द यूज करना चाहता हूं तुम्हारे लिए एंड आई थिंक इट इन योर फेवर जब आज तुम मुंबई जाते हो थिएटरों में hmm. पुणे जाते हो थिएटरों में और देखते हो यार हाउसफुल हाउसफुल एंड माइंड यू भाई मैं जानता हूँ कि डेढ़ साल में कष्ट हुआ है पैसे का कि इतना पैसा कैसे डाले प्रमोट करने के लिए जो लोग प्रमोशन पे खर्च करते हैं वो शायद आपकी फिल्म उसमें बनी है शायद 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 बिना टॉम टॉम किए हुए जब प्यार मिलता है व्हाट वैलिडेशन डू यू फील आते हैं आपके पैर छूते हैं बुजुर्ग लोग का। मैं सावरकर नहीं हूँ और uh, पैसे लेके आते हैं कि नहीं नहीं आपने इतना वो करके बनाया मैं कह नहीं नहीं अंकल नहीं, नहीं आंटी यू you नो know, मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार मिल गया बहुत है एंड दिस ओवर वेलमिंग फीलिंग की लोगों ने ना पिक्चर एंगेजमेंट के साथ देखी है उनके अंदर एक फीलिंग आपको महसूस होती है जो कि बहुत ही मतलब इट गेट्स टू यू यू फील लाइक आई आई ऑफन चोक अप वाइल टॉकिंग ऑन अ माइक एंड ऑल दैट आई सेड आई कान बिलीव दिस क्योंकि आप एक सुमड़ी में बैठ के अकेले बैठ के सब काम कर रहे होते हो और तुम्हें पता नहीं होता कि आपके काम से क्या इफेक्ट हो सकता है लोगों पे तो वो काम जब ऐसे ट्रांसलेट होता है तो एक अलग ही इट्स इट्स अ ग्रेट हाई इट्स अ ग्रेट हाई विच यू प्रॉब्ली आप अपना काम अगला जब शुरू करोगे तो उसको कई दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई ऐसे यार इसमें इसके अंदर तो दो तीन और चीज़ें थी ना क्योंकि इसमें मैं स्टोरी टेलर भी मैं था नहीं तो आप एज एन एक्टर अपना कोई रिस्पॉस रिस्पॉन्स देखते हो जब आप एज अ स्टोरी टेलर देखते हो ना दैट्स अ वेरी वेरी दैट्स वेरी ओवरवेलमिंग और मेरे लिए ये डायरेक्शन करते करते अपने सारे पुराने डायरेक्टरों के लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है गधा मजूरी वाला काम है और पर जो उसका जो रिजल्ट जब आता है तो उतना ही मज़ा आता है कि नहीं कहानी भी मैंने बताई है म्यूज़िक भी मैंने बताया है ये भी मैंने किया वो भी मैंने किया एज अ फिल्म एज अ स्टोरी जो लोगों तक पहुँच रही है जो फीलिंग्स उनमें आ रही है वो सिर्फ आपके एज एन एक्टर नहीं आ रही है बट एज ए डायरेक्टर भी आ रही है एज ए राइटर भी आ रही है को राइटर आ रही है दैट्स अ वेरी बिग बिग फीलिंग तो एक है रणदीप एक्टर जिन्होंने वीर सावरकर का रोल परफॉर्म किया है जी और एक है द फिल्म मेकर जी कभी कभार वो डर रहता है कि यार रणदीप एक्टर शायद खो जाए क्योंकि फिल्म मेकर पचास चीजें देखता है बट एक एक्टर को सिर्फ अपने आप को देखना है जी जी तो वो इनसिक्योरिटी थी इनफैक्ट uh, uh, मैंने अपने ऊपर एज एन एक्टर लीस्ट अमाउंट ऑफ ध्यान दिया इस पिक्चर में uh, क्योंकि मैं शॉट लेके अपना शॉट लेना भूल जाता था कि चलो आगे चलते बिकॉज आई आर सो एक्साइटेड बीइंग द डायरेक्टर एंड देन अच्छा ये मेरी लाइंस क्या है यार अच्छा ओ गॉड सो अभी बैठ के मेकअप वेकअप कराना कराते कराते शो मी द स्क्रीन शो मी वो एक छोटा सा वो शोगन लेके ओके नो नो पैन राइट पैन राइट या लेट्स हैव बिट मोर ऑफ दिस इन द फ्रेम एंड मेकअप भी करा रहा हूँ ये करा रहा हूँ सो इट वॉज अ वेरी हेक्टिक थिंग अनफर्चुनेटली इस पिक्चर को पॉलिटिकल कलर देके ही इसको काफ़ी लोगों ने पैन कर दिया काफ़ी लोग इसको देखने इसलिए भी नहीं जा रहे हैं कि अरे ये तो उसकी पिक्चर है वो मैं कहा आके पिक्चर देख के एंगेज करो पर जिन्होंने देखी है बच्चे कितने बच्चों ने ये पिक्चर देखी है कितने बच्चे क्यूरियस होके गए हैं और मेरा ये मानना है कि किसी भी कला का सबसे बड़ा मकसद होता है क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन रेज करना और ये एक इतने बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी की कहानी है जिनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है और अनएजुकेटेड बातें अन रेड बातें उनके बारे में सुनी सुनाई बातें जो पॉलिटिकल मर्ड स्लिंगिंग में कह रहे हैं उसी में मेरी पिक्चर भी कहीं उस कलर में आ गई और लोगों का नज़रिया भी वो है मैं तो चाहता हूँ पिक्चर जाके देखो आपको सच बता रहा हूँ मैं और किस तरह से बता रहा हूँ वो देखो अ स्टोरी टेलर इट्स अ मूवी इनफैक्ट भाई टॉकिंग अबाउट दैट राइट अब लोग कह रहे हैं कि यार अभी इलेक्शन होने वाला है और अब फिल्म आ रही है पोलिटिकल प्रोपागैंडा फॉर एग्जाम्पल कोर्ट एंड कोट कहीं लिखा है बिल्कुल hmm. like बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ने नहीं बहुत सारे प्रोपागेंडिस्ट हिस्टोरियंस ने इसको रिफ्यूट किया है मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है मेरे पास इस पिक्चर में मेरे को पूरा आ, आ, अपना सेंसर बोर्ड को प्रूफ देने पड़े थे सीन बाय सीन बाय सीन, सीन मैंने प्रूफ दिए मेरे पास इस सब का प्रूफ है कि देवर इंस्पायर्ड बाय हिम पर अभी वो पिक्चर के ट्रेलर पे ही आते ही इतनी बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी किसी का कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू बोल रहा है कि उसको उससे इक्वेट मत करो अरे भाई तुम्हारा ठेका ले रखा है तुमने उनका हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या होता था हर एक लीडर की दूसरे लीडर के किसी चीज़ में अग्रीमेंट होती थी किसी चीज़ में डिसएग्रीमेंट होती थी फिर उनका स्टैंड चेंज होता था तो उससे डिसएग्रीमेंट होती थी तो पूरा एक घूमता फिरता एक बहुत ही वॉलेटाइल एक टाइम था जिसके अंदर जो 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 स्टेटमेंट उनकी थी सुभाष चंद्र बोस के को उन्होंने इंस्पायर किया था ये उसके ना सिर्फ उनकी अपनी कॉन्वर्सेशन है रिकॉर्डेड गांधी जी की सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड हैं ये तीन बार मिलते हैं भगत सिंह जी की डेल जेल डायरी में आपको सावरकर जी की चार पांच कविताएं मिलेंगी उन्होंने इनकी बुक अंग्रेजी में पब्लिश की गुरुमुर्खी में ट्रांसलेट करी ये सब चीज़ें नहीं बताते ना आपको सिलेक्टिव वो लेके उसकी आउटरेज करते हैं मैंने बहुत रिसर्च करके ये बनाई और मैं ये चाहता था कि इनको जो इनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो सामने आए मैंने इन चीन लोगों को क्यों रिफ्यूट नहीं किया क्योंकि इनको खुद ही दूसरे लोगों ने रिफ्यूट किया hmm. वो कॉन्वर्सेशन उनकी आपस में होनी जरूरी थी ना कि मैं अपनी पिक्चर डिफेंड करने लग जाऊं पर ये सा, ये सारे डिबंक्ट मैं सबको प्रूफ दे सकता हूँ रिटर्न प्रूफ ऑफ एवरी थिंग देट दे आर ट्राइंग टू डिबंक पर क्या है एक माइंड बन गया है एक कहानी देखिए उन्नीस में जब देश आजाद हुआ उस वक्त एक पार्टी के ही लोग थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिन्होंने जो वो सिलेक्टेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ये वो, ये वो दे वो, दे वो नो इलेक्शन राइट उसके बाद उन्होंने ही हिस्ट्री लिखवाई है ना उन्होंने हिस्ट्री लिखवाई और वो ऐसी हिस्ट्री लिखवाई है कि वो ही हमारे ऊपर किसी ना किसी फॉर्म में हम पे राज करते रहे तीस सत्तर साल तो अब जब वो हिस्ट्री के बजाय इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने से जब वो चेंज हो रहा है तो बहुत लोगों को तकलीफ हो गई ना यार आपको तकलीफ होती है जब आपने दिल और जान जैसे आप कहते ईमानदारी के साथ फिल्म बनाइए और ये सारी चीजें आके आपके काम को डाइल्यूट कर देता है क्योंकि आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जिसमें आप काम राइट right? आप हर्ट होते हो हर्ट नहीं होता इरिटेट होता है आदमी यार पिक्चर देखी नहीं छोटे से प्रोमो पे तुम इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बना रहे हो तो अपनी दुकान चला रहे हो बट दैट इज़ ओके आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन और मैंने वो कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी है अभी एक और हमारे जो सशस्त्र क्रांति है वो लोगों के दिमाग में सोच में आ गई है कि हमें सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं मिली इट्स अ फैक्ट क्लेमेंट एटली ने अपनी स्पीच में बोला है उन्होंने तो इतना भी बोला था कि गांधी जी का इससे कोई लेना देना नहीं था पर मैंने पिक्चर में नहीं डाला क्योंकि बापू हैं तो क्लेमेंट एटली की जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उनकी स्पीच एक नहीं तीन स्पीच है तीन स्पीच में सेम चीज बोली उन्होंने कि एक्चुअली में आजाद हिंद फौज की दर से और 1946 में जो बॉम्बे डॉक में जो म्यूटनी हुई थी जहां बीस हजार रॉयल इंडियन एयरफोर्स के के लोग इंडियन नेवी के रॉयल इंडियन नेवी बॉम्बे डॉक पुलिस सब लोग इन्वॉल्व थे बहत्तर वॉरशिप्स थे यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एजिया से वर्ल्ड वॉर टू के बाद वापस आए थे उनकी बंदूकें इंडिया की तरफ थी तब जाके हमें आजादी दी है ये क्लेमेंट एटली ने खुद बोला यार मैंने थोड़ी बनाया है लेबर गवर्नमेंट के उस वक्त लीडर होते थे क्लेमेंट एटली देवेंद्र फडनवीस जी ने कहीं कहा है कि राहुल गांधी को ये पिक्चर देखनी चाहिए बिल्कुल देखनी चाहिए उनको तो जरूर देखनी चाहिए और आप उनको दिखाने वाले हैं? आपने उनको इनवाइट किया मैं चाहूंगा उनको इनवाइट करना बिल्कुल पर मेरे ख्याल से वो यात्रा वात्रा पे कहीं है मुझे मिलने वैसे भी नहीं देखेंगे वो क्योंकि उनका पूरा थॉट प्रोसेस ही बदल जाएगा पर इस पिक्चर को इतना ऑपोजिशन इतना नेगेटिविटी जो मिला एकदम से वो एक तो देखो इलेक्शन के टाइम रिलीज़ हो रही है पिक्चर विच आई वाज आल्सो नॉट इन फेवर विद मैं चाहता था कि ये 15 अगस्त को रिलीज़ हो पिछले 15 अगस्त को फिर चाहता था कि 26 जनवरी को रिलीज़ हो गणतंत्र दिवस मैं सावरकर जी की पिक्चर किसी बड़े दिन पे रिलीज़ होनी चाहिए थी पर वो कुछ ऐसा आपस में पार्टनर्स में इसमें उसमें ऐसी कुछ वो चलती रही कि वो फाइनल हुआ नहीं और जब फाइनल हुआ तो हमें शहीदी दिवस मिला या फिर हम इलेक्शन के बाद आते मेरे और तीन चार महीने चले जाने थे तो ये डिसीजन हमारे जो आई सेड ओके फाइन मेरे को और चीजें करनी थी ना यार मैं थोड़ी इसको हर चीज में क्योंकि इतने सालों से जानता हूँ जहाँ पे एक साइड में कुछ लोग सिर्फ मूछे लगा देते हैं और और लेजेंडरी फिगर्स पर फिल्में कर देते हैं आते हैं तीस दिन में खत्म हो जाती है फिल्म जी जी यहाँ पे सरबजीत हो ये कैरेक्टर आप आप जीते हो आप हो घुस जाते ट्रांसफॉर्मेशन क्या है असल जुनून रणदीप हुडा का कई बार तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार कि करना क्या चाह रहा है तू पर जुनून यही है यार कि कुछ ऐसा कर जाए कि जो एक यादगार बन जाए कुछ ऐसा कर जाए, जो कि एक मिसाल बन जाए कुछ ऐसा कर जाए, जो कि एक इंस्पिरेशन बन जाए क्योंकि इंसान अपना रोज़ी रोटी तो कमाई लेता है यार उसमें क्या बड़ा घाती घोड़ा नहीं है कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से सबका काम चल जाता है और उसके ऊपर से आप एक कलाकार के तौर पे आप क्या चीज़ एक आगे लेके जाने चाहते हैं हालांकि मेरी फर्स्ट पिक्चर थी और इस पिक्चर को मैं काफ़ी कन्वेंशन से आगे लेके गया हूँ फॉर्म के अंदर एडिटिंग के अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक के अंदर कैमरा के अंदर तो नैरेटिव के द नैरेटिव ऑफ़ द स्क्रीन प्ले के अंदर मैंने बहुत इसमें एक्सपेरिमेंटेशन किया है और वो एक्सपेरिमेंटेशन मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है एज एन एक्टर क्योंकि जो लोग पिक्चर देख के निकलते हैं या जो देखते है, they they that, that the, जब देखते हैं दे फील दे आर ट्रैप्ड एट दैट इन दैट टाइम ऑफ वेयर द जबकि जिस टाइम की ये पिक्चर है और वो करना बहुत ही मुश्किल होता है उसको थूका चेपी वाला काम करके निकल सकते थे इसमें से अपनी भी जान छूटती अपने पैसे भी नहीं लगते सब कुछ हो सकता पर सावरकर जी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना मेरे ऊपर यार कि उनके ऊपर एक डेफिनेटिव पीस ऑफ वर्क बनेगा जो कि नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी जिससे उनको गौज किया जाएगा तो मुझे उनकी पूरी कहानी बतानी पड़ेगी सब अरे दो घंटा बीस मिनट की बना दो साढ़े चार घंटे की पिक्चर थी मेरी मैं उसको दो घंटा पचास मिनट पे ले आया उससे ज़्यादा मैं कह नहीं इसके बाद तो सावरकर जी की स्पिरिट ही कट जाएगी और मैंने उनको वाइट वॉश नहीं किया जहाँ पे वो जेलस होते हैं वहाँ जेलस भी हैं जहाँ पे गुस्सा होते हैं गुस्सा भी हैं जहाँ पे होते हैं सफ़र कर रहे हैं सफर हैं ही इज शिटिंग इन द सेल विच इज़ लिविंग इन आई शो मिस्टर सावरकर शिटिंग इन द सेल ऑफ आइसोलेशन तो मैंने उनका बहुत जो मैंने वहाँ पे जाके महसूस किया कि यहाँ पे मार वहाँ पे मार काला पानी में दो तीन होती थी एक तो ऑब्वियसली आइसोलेशन फिर सैनिटेशन फिर फूड और आ, लेबर ये सारी मैंने बड़े डिटेल में दिखाई हैं और फिर कैसे उनका पूरा जिसको माफीनामा बोलते हैं वो बेल नरेशन में आती हैं उसके वहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ क्या दिखा रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू के ऊपर टच करता हूँ मैं सो ऑल दीज थिंग्स पूरा पार्टीशन का पूरा फीलिंग क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था फिर गांधी हत्या ये हिंदुत्वा फिर द सो कॉल्ड वाई डिड ही अपोज द मुस्लिम्स तो सारी चीजें मैंने एक एक ही पीस ऑफ वर्क में डालना था यार उसको लिखने में उत्कर्ष की हेल्प से हमने लिखी किसी किसी तरह के तरीके से और फिर उसको अभी शूट कैसे किया तीन दिन पहले मेरा सिनेमाटोग्राफर गायब हो गया क्यों बीमार था कि भाग गया पता नहीं क्या उसको गायब हो गया घर से भी गायब हो गया है हाँ तो मैंने रात को अरविंद कृष्णा को बुलाया एक को रात को आया कल सुबह सुबह छह बजे की शिफ्ट है रात को पहुंचा यहाँ मैंने उसको रिसीव किया एयरपोर्ट पे पूरी कैसे कैसे करेंगे कैसे कैसे करेंगे आइडियाज देते 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 महेश एक है, मैं उनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ तो इन चीजों को साइड में ही रख दें तो बेटर है क्या फायदा बट आप वाकई में जैसे कहा आप इतने थे अपने रोल के साथ नहीं था भैया मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी जो किसी और ने नहीं पढ़ी राइटर डायरेक्टर को एक्टर को पढ़नी चाहिए ना किताबें मेकिंग हिस्टोरिकल इट एट किताब आगे आगे हेलो मेरे दोस्तों मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है अंगार यानी कि फायर पावर फ्रॉम विदिन टी शर्ट्स हुडीज शर्ट हुए Bags, mugs, sub available here at angar.store, store. Link here, our description. maybe so check out the merchandise, purchase it. Price, both reasonable hair, and the clothes are very easy and comfortable to wear. Angar, machao. Jab इंडस्ट्री से सपोर्ट मांगा कि नहीं क्योंकि आपने कहीं कहा कि इंडस्ट्री से सपोर्ट नहीं मिला इस फिल्म के लिए नहीं इंडस्ट्री में क्या सपोर्ट मांगोगे आप आपको समझ में नहीं आता आप क्या सपोर्ट कोई कौन सपोर्ट करता है सब अपनी अपनी पिक्चरें बना रहे हैं अपना अपना करियर बना रहे हैं सब अपना कर हैं, अपना कर रहे हैं मैं अपना कर रहा हूँ तो मैंने कोई इंडस्ट्री से सपोर्ट इन द सेंस कोई सपोर्ट कोई कौन सपोर्ट करता है यार जिसका जो आपका प्रोड्यूसर है इंडस्ट्री कोई कोई को एनिमल थोड़ी है इंडस्ट्री सब बहुत लोगों की मैं भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ तो किससे हेल्प मांगने जाऊँ क्या हेल्प मांगने जाऊँ मेरे को बहुत लोगों ने हेल्प की इसमें बहुत लोगों ने गाइडेंस की बहुत मेरे को बहुत मेरे पुराने डायरेक्टर्स से मैंने काफ़ी पूछ, कुछ पूछा साजिद भाई ने मेरी बहुत हेल्प की तो काफ़ी लोगों ने मेरी इसमें हेल्प की ऐसी कोई बात नहीं है पर क्या हेल्प मांगे किसी से जाके पैसे मांगे या क्या मांगे तो वो उसका वो रहता है यार पर इंडस्ट्री का क्या है कि आर्ट फॉर्म की भी एक अपनी डिस्कशन होती है वही लोग बैठ के वहीं अपने आपस में करते रहते हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि वो मैं मैं तो शेयर करना चाहूँगा उनके साथ कि जाके मेरी पिक्चर देखो डोंट गेट ड्राउंड बाय जस्ट पॉलिटिकल ओवरटोन जो इसको दे दी एक दे। होता है कि इंडस्ट्री में क्या होता भाई। आता है ट्रेलर लोग आपस में ही वाह वाह क्या ट्रेलर है मजा आ गया ये सब ट्वीट करते हैं किसी ने नहीं, नहीं वो तो कोई वो तो जब मेरा एक्सट्रैक्शन में चलो मैं तो बॉलीवुड से हॉलीवुड गया था एंड आई मेरा मेरे ख्याल से वन ऑफ द मीटियस्ट रोल होगा हिस्ट्री में और वो भी एक्शन वाला रोल किसी ने कुछ नहीं बोला यार तो क्या मैं पर वो बोले भी क्या ऑडियंस देखता है ना पिक्चर उन इंडस्ट्री पिक्चर बनाती है ऑडियंस इज द कंज्यूमर बट यस अ पैट ऑन द बैक इज अ गुड थिंग है पैट ऑन द बैक इज वेरी इंकरेजिंग आज मुझे किसी का फोन आया इंडस्ट्री में से आई फेल्ट वेरी गुड एंड आई थॉट अरे यार आई वॉज सो ओवरवेलम्ब बिकॉज किसी और का नहीं आया तो दैट इज ओके यार मैं भी किसको कितना करता हूँ मैं भी किसके ट्रेलर रिट्वीट करते घूमता हूँ क्या करता हूँ तो इट्स आर गिव एंड टेक यार तो मैं वॉइस वोज करता हूं यू नो राइट भाई द नॉमिनेशन बेस्ट एक्टर आर सरबजीत के टाइम पे तीन चार अवार्ड शो में मैंने ही वॉइस वॉज किए थे आपके नॉमिनेशन ये रंदी सरबजीत वगैरह वगैरह। उस वक्त जब हम वॉइस वोज करते थे स्टूडियो में तो बोलते थे रंदी भूडा तो ले जाएगा इट वॉज अवन पर हम जाते थे वहां पे क्योंकि लाइव वॉइस भी होता था ऐश्वर्या को मिलता था अवॉर्ड एंड यू यूर ओनली इन द डिड यू फील चीटेड अपसेट भाई uh, देखिए इसमें पहले तो आप अपना कलाकार के तौर पे अपना अस्तित्व उस अवार्ड के ऊपर ही निर्भरित निर्भर करके चलोगे तो तो आपका कुछ होने वाला है नहीं रिकोगशन uh, फ्रटर्निटी का रिकोग्निशन आपको बिल्कुल ही बहुत ही आपको इंकरेज कर सकता है पर मैं तो चाहूँगा कि मैं ऐश्वर्या के लिए खुश हूँ भाई को मिल गया मेरे को नहीं मिला अभी ये बैठ के बोलना कि मैं डिजर्व करता था मैं ये करता था मैं वो करता था मेरे को नहीं मिला मेरे ख्याल से वो एक अनबिकमिंग चीज़ है वो लोग अपने आप बोल रहे हैं ना आप बोल रहे हो राइट आप बोल रहे हो तो इससे बड़ा क्या अवार्ड हो सकता है यार अब मैं बोलने लग जाऊँ तो फिर आदमी अंगूर खट्टे वाली बात है यार तो आए अब मैंने कभी उसमें इंडज नहीं किया क्या मुझे उसमें बुरा लगा या मुझे बुरा लगा पर उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ ख़त्म होगा अच्छा नहीं चल कोई बात नहीं यार और चलो और क्या करना है सो वन मूव ऑन पर अगर अपना अगर आप अगर मैं एज अ कलाकार एक्टर और नाव एज अ डायरेक्टर अपना पूरा वेल uh, बीइंग well अगर मैं दूसरों के हाथ में दे दूं कि अगर ये रिकोगनाइज करेंगे तो मैं अच्छा एक्टर हूँ या ये बोलेगा तो मैं अच्छा एक्टर हूँ ये बोलेगा तो मैं अच्छा डायरेक्टर हूँ अगर वो आप करने लग जाओ तो यार मैं तो कब का वापस चला जाता ये जो थाट प्रोसेस है सेल्फ लव की बात कर रहे हैं सेल्फ इज्जत की बात करें सेल्फ रिस्पेक्ट ये अभी आया रदी फूडा के अंदर ये कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ में जब आपने बोला मुझे दूसरे लोगों के वैलिडेशन की, की जरूरत नहीं है ओनली वन वैलिडेशन

इनफैक्ट जब थिएटर करते थे तो थिएटर के बाद आ, मैं हमेशा सोचता रहता था यार आज ये नहीं हुआ वो नहीं अच्छा नहीं हुआ फलाना दगड़ा मैं उसमें होता था और सब लोग बैक स्टेज आते थे तो नसीर भाई मैं हमेशा कमरा बंद कर लेता था अपना ग्रीन रूम और अंदर रहता था क्योंकि मुझे लोगों को फेस नहीं किया जाता था तो नसीर भाई ने काफ़ी बार झाड़ा भी की दट यू शुड बी आउटसाइड एंड तो करते भी थे हम तो लोगों के पता चल जाता है किसको कैसा लगा था बिना उन्हें बोले आपको पता चल जाता है तो वो कहीं से एक एक प्रैक्टिस हो गई कि आपको वैसे ही पता चल जाता है इवन एज आप एज एक्टर शॉर्ट देते हो डायरेक्टर के रिएक्शन से पता चल जाता है तो वो उतना ही आपको पता है कि आपको अगर किसी चीज़ के लिए रिकोगशन नहीं मिला पर आप लोगों की, जब आप उनसे मिलते हो जब भी मौका होता है तो उनके अंदर से जो प्यार आता है उसी को ही आप ले सकते हो यार अदरवाइज तो डिमॉरलाइज हो जाए आदमी डीमोरलाइज और बिल्कुल ही अपने आप को यूजलेस समझने लगे कभी डीमोरलाइज हुए भाई बहुत बारी हुए यार बहुत बारी डीमोरलाइज हुए बहुत मारी सोचा है कि छोड़ा यार कुछ और काम करते हैं पर फिर एक कहीं एक चिड़िया की आवाज आती है <laughs> कहीं एक फूटी हुई किरण फिर से निकलने लगती और है और गलती से हम भाई लोग कहीं मिल जाते हैं <laughs> तो होता है जब ऐसे डीमोरलाइजेशन होती है देन यू ट्राई सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाता है आदमी पहले मैं तो सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाता हूँ कि क्या कि क्या क्या हुआ तूने पूरी कोशिश की जैसे इस पिक्चर का कुछ भी फेट हो हालांकि ये पिक्चर खट टक ठक मैं चाहे सहवाग होगा पर ये तो आ, राहुल ड्राविड निकली <laughs> मेरे को लगी मेरे को लगा सहवाग होगी पर ये तो राहुल ड्राविड निकली बट दैट्स ओके मैंने अब उसको आपको बाइफिकेट करना पड़ता है कि ठीक है आपने ये पिक्चर बनाई क्या मैंने ये पिक्चर में मैं कुछ और कर सकता था इससे अच्छा नहीं मैंने अपना पूरी जान लगा दी क्या ये वही पिक्चर है जो मैं बनाना चाहता था बिल्कुल क्या मैंने कहीं पे इसमें कॉम्प्रोमाइज किया नहीं वो आपका जब ये तीन चार पॉइंट क्लियर हो जाते हैं ना उसके बाद फिर तो एक करियर एनहेंसमेंट की बात होती है कि अगली पिक्चर कितने बजट की होगी या क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा वो एक करियर एनहेंसमेंट की बात होती है आपने एज एन आर्टिस्ट जितना आप कर सकते थे भैया इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था इतना भी मैं नहीं कर सकता पर मैंने किसी तेजी तरह कर दिया उसके आगे क्या जीत हो सकती अच्छा है ना? भाई अगर एक फिल्म है आपने दिल जान दे दिया जो आप करते हो आप करते हो आप जुनूनी इंसान हर एक चीज के लिए देता हूँ जुनूनी इंसान जान डाल दी इस फिल्म में पर उतने आईबॉल्स नहीं मिले या पिक्चर नहीं चली और तब आपने बोला इसमें तो जान डाल दी पर क्यों नहीं चली वो कौन सी फिल्म थी लाल रंग मुझे लगा वैसी भी फिल्म थी आम। और कौन सी थी लाल रंग मेरे ख्याल से जो थिएटर पे आई थी उनमें से वो एक फिल्म थी अभी एक और मेरी पिक्चर रिलीज कर दी थी तेरा क्या होगा लवली जो कि ऐसे ही बिना किसी पब्लिसिटी पब्लिसिटी के दे जस्ट वांटेड टू Get ऑफ़ इट बिफोर थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च तो वो भी मुझे अच्छी पिक्चर लगती थी वो मेरी पहली कॉमेडी थी इनफैक्ट uh, पर मैं सावरकर के चक्कर में मुझे पता था उन्होंने थिएटर पे रिलीज़ करनी नहीं है ज़्यादा दो चार थिएटरों पे करनी है तो वो मेरी पिक्चरों के साथ काफ़ी हुआ है एक सपोर्ट बहुत कम मिली है डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग सपोर्ट भी जो कि ठीक है यार वन हैज टू गेट ओवर दैट एंड मूव ऑन रिस्पेक्ट राइट हैंड साइड पर काम लेफ्ट हैंड साइड पर काम अच्छा है बट रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आपने रिस्पेक्ट काम रिस्पेक्ट ओवर अभी हुआ या uh, <coughs> yeah, वो तो होता ही रहता है नहीं करना मुझे आप अप अपना करो किसी और को ले लो मैं मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ तो जब मैं आपको जानने लगा था इनिशियल फेज में मैंने आपको शायद बोला भी था ये मैं मुझे बोला था अरे यार रणदीप जो है ना वो एरोगेंट है यार हुँ, हुँ. आपने भी कहीं कहा है कि द जाट बॉय वाला वो परसेप्शन था पर जब आपसे मिलता था मैं हुँ. तो वे यूज्ड टू हग मैं आहा पैट एंड ऑल तो यारों का यार है क्या आपको लगा क्योंकि एक परसेप्शन था आपका एरोगेंस का जस्ट ओनली अ परसेप्शन वर्क्ड अगेंस्ट यू हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज uh, मैं बहुत इंडिविजुअलिस्टिक आदमी हूँ इन दैट सेंस और आई टेक प्राइड इन दैट तो जैसा मैं हूँ वैसा हूँ और उस वक्त क्या था ये बोलने की बजाय कि यार आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस क्या 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 है यार ये तो वो थोड़ा सा वो डिफरेंस है वो अभी आदमी सीख जाता है हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल बट स्टिल यू आर हु यू आर एंड वन आप जब खुद एक ऑनेस्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे होते हो खुद एक एक्सट्रीम सिंसियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे होते हो और एक जेन्यन लव के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे होते हो तो कई बार आदमी इतना केयरफुल नहीं रहता है ऐसे घुमा घुमा के स्टोरी बनाओ नहीं, मैं, मैं जैसे किसी से कभी बहुत कम काम मांगने गया हूँ और जब गया हूँ तो मुझे मैं खुद ही अपने आप को फ्रॉड साउंड कर रहा होता हूँ क्योंकि इट्स नॉट मी तो ये है बी अप फ्रंट ना यार बोल दो जो ऐसे 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 है ये आपको और आ, फिल्म इंडस्ट्री में ऑल क्रिएटिव पीपल उनका ना थोड़ा बहुत थिन स्किन होता है बहुत डेलीकेट uh, uh, मामला होता है विच मे बी मेरा भी है तो दैट इज़ वो आप उम्र के साथ सीख जाते हो पर शुरू में मैं uh, मेरा एक बहुत ही एक कैसे रेपुटेशन बना दिया गया था विच वॉज

कैंप वाला कभी स्टैंप नहीं है आपके डिड यू कॉन्शियसली नॉट वांट दैट या क्या था नहीं मे बी आई फेल्ट कि मैं आई एम आउटग्रोइंग दिस आई यू पर्सन एज अ पर्सन यू आउटग्रो थिंग्स राइट और मैं हमेशा आई चाहता हूं कि मैं एक सीखने की uh, नजरिया रखता हूं कि आई कीप लर्निंग सो आप आउटग्रो कर जाते हो कि ये एंड हर एक उसका एक अपना फिल्म बनाने का एक एक मॉडल होता है एक जॉनरा होती है एक तरीका होता है तो वो आपने कर लिया अभी दो तीन पिक्चरें कर ली दो पिक्चर कर ली तीन पिक्चर कर ली उसके बाद आदमी देन विशेष कि यहाँ पे और और क्या अपॉर्चुनिटी और ऐसी बात नहीं है कि ऑपरचुनिटी वो अगर अगर अच्छी वहाँ से आती तो मैं उनके साथ काम करता बट आई केप ग्रोइंग आई वॉन्टेड टू कीप चेंजिंग कीप वर्किंग एंड मैंने सबके साथ किया किसके साथ काम नहीं किया यशराज करण जोहर Uh, भट्स uh, साजिद भाई uh, सबके साथ किया एक्सएल के साथ शायद नहीं किया बट अदर वर्क विद एवरीबडी तो आप कह रहे हो कि करण की टीम के साथ भट्स हो आप कहीं फील किए थे कि यार अब वक्त आ गया है कि मैं आगे बढ़ूं और आपको लगा कि शायद सेचुरेशन पॉइंट आया क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इट्स ए गिवन टेक इट्स टेक बिटवीन यू एंड कैंप ऑफ एनी सॉर्ट आए तो मुझे तो कैंप का मतलब ही समझ में नहीं आता कि भाई जो जिस रोल में जो बेस्ट फिट होता है उसके हिसाब से काम करना चाहिए और पर एक पॉइंट के बाद आके आपका एक पीआर कैसा है आपका स्टार रेटिंग कैसा है आपका कलेक्शन कैसा है उस पर बात आ जाती है वो मैंने ज़िंदगी भर नहीं किया वहाँ मैं बहुत कमज़ोर रहा और अगर मैं पीछे जाके अपने आप को कोई एडवाइस दूंगा तो मैं कहूँगा यार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तुम्हें करनी चाहिए मार्केटिंग हाँ वो सब मैंने नहीं किया पर मेरी इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह हुई है तो वो लॉन्ग लास्टिंग चल रही है यार तेईस साल के बाद भी मैंने कितने तीस पैंतीस चालीस प्रोजेक्ट्स किए होंगे उसके बाद भी अभी फिल्म मेकर्स को नई नई चीज़ें मेरे में दिख रही हैं नए नए पहलू दिख रहे हैं नए नए तरीके से मुझे लोग देख रहे हैं दैट इज़ द विनिंग पॉइंट ऑफ मी एक्सेप्ट को मेरे साथ काफी लोग मैं जिस साल में मैं अगर आप बोलो बैच वाइज काफी लोग थे उन लोग अभी कहीं नहीं है मेरा अभी भी चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है तो वो कहीं पे वो एटीट्यूड एक अच्छा भी रहा ऐसी बात नहीं ऑफ कोर्स ये गिवन है भाई कि अगर आप रोल करे तो जान डाल दी होगी इट्स अ गिवन नाउ एंड इट्स रियली अ अ गिवन एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू मेक यू फील गुड इट्स गिवन नाउ आपने एक इंटरेस्टिंग लाइन कही कि यार मैं तो बहुत मैं काम नहीं मांगता और कभी कभार करता भी हो तो, <laughs> तो मैंने सुना कि यार करण जोहर से लोग पार्टियां में मिलते हैं और बोलते हैं अरे करन, ये सब करते हैं एंड कभी आपने भट्स हो या करण जोहर हो इन सबसे ओपनली बोला आपने इसे शाए हुए किया है या आपको लगा अगर काम मांगने सेल्फ से से रिस्पेक्ट की बात आती है uh, नहीं uh... I used to go to parties to enjoy myself, which is not why you go to these parties. I realized much later. <laughs> <laughs> भाई इसमें तो ताली बलती है भाई। इसमें तो। <laughs> I really went to party. I didn't go to make connections and all that. में. And then uh, party ज़्यादा भी हो जाती थी। सब लोगों की गलती नहीं है। <laughs> पर मैंने ऐसे कभी वो, वो ऐसी पार्टियों में कभी जाके सोचा नहीं। और oh, भाई क्या हाल लाये ये वो ये वो, वो करके। काश मैं ऐसा सोचता और मेरे को होता मैं तो जा चलो आज पार्टी है यार चलो टिक 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 यू नो एफ वन बट देन वन रियलाइज कि ये गेट टुगेदर भी उसी तरीके से होते हैं और मैंने फिर करने की कोशिश भी पर मुझसे होता नहीं है यार तो करने की कोशिश की है अभी रिसेंटली मैंने करने की कोशिश की थी पर मुझसे होता नहीं है आई यू बिकम अ सर्टन वे एंड यू आर अ सर्टन वे तो उसी वे में चलो ना यार क्या होगा एक पिक्चर मिल जाएगी उसके बाद क्या होगा दूसरी पिक्चर मिल जाएगी वो तो मैं वैसे भी करे जा रहा हूँ और मेरा बॉडी ऑफ वर्क का स्पेक्ट्रम बढ़ता, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो वो एक एडवांटेज ही है मेरे हिसाब से बहुत से लोग एक टर्म के लिए बहुत हासिल करते हैं बताता हूं क्या टर्म है हासिल करते हैं। कैसे भी वो उनपे है बॉलीवुड ए लिस्ट ये ए लिस्टर है ये ए टर्मिनोलॉजी फेंक देते हैं अब कौन सा फाउंडेशन है किसी को मुझे नहीं मालूम हैव हैव यू यू भी नहीं मालूम ट्राइड

ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हेरिडिटेरियली ए लिस्ट में होते हैं तो ए लिस्ट का मतलब कौन है बनाता कौन है मुझे समझ में नहीं आया यार आई हैव नो लिस्ट आई एम इन द जेड लिस्ट एंड आई एम फाइन विद इट आई लाइक दैट खुद की लिस्ट बनाओ जेड लिस्ट में जेड लिस्ट जी हां दोस्तों मेरा खुद का मर्चेंडाइज अंगार मर्चेंडाइज जंपर्स टी-शर्ट्स डीज मग्ज ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज अंगार डॉट स्टोर यहां पर क्लिक करिए लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे फिल्मोग्राफी में वो कौन से तीन फिल्म है वेन यू लुक बैक एन से रणदीप जब आप अकेले बैठे हो या अपनी मोहतरमा के साथ बैठे हो बोलते हो वाह थैंक गॉड मैंने ये की इट्स अ लॉन्ग लिस्ट जो स्पॉन्टेनियसली आए uh, मेरे एज एन एक्टर आई डोंट नो दैट्स अ गुड डिलेमा भाई कि आप सोच रहे इतने टाइम अने जान डाल दिया नहीं लोगों को अलग परसेप्शन होती है और आपको अलग परसेप्शन होती है आप अपना बताओ मैं अपना कोई भी काम एक वैसे तो मैं बैठ के ऐसे देखना मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कहीं आप अपनी चीज अपने से ही खुद इंप्रेस ना हो जाओ कई लोग एक्टर ऐसे भी होते हैं जो अपनी पिक्चर रोज देखते हैं बट आई आई मेरे को समझ में नहीं आता बिकॉज मुझे तो सिर्फ उसमें मिस्टेक्स दिखती है पर एज फिल्म आई इन्जॉय वॉचिंग नॉट जस्ट माई परफॉर्मेंस आई आई एंजॉयड ऑफ देम लाल रंग हाईवे I, uh, enjoyed, um, uh, I enjoyed Kick. I enjoyed many other such movies. D Risk I enjoyed a lot. Or what other movies? I Extraction I really enjoyed. I enjoyed watching it every time because great action in it.

ऑल्सो अ रेवोल्यूशनरी ओन वे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में मूवफट हो ऑनेस्ट हो कॉन्फिडेंट हो ओन अप करते हो अपने मिस्टेक्स अगर मैं बोलू दो मिस्टेक्स आपने की लाइफ में या प्रोफेशनली वो क्या है आई उससे फिर एक अलग ट्रेजेक्ट्री बन जाती करियर की uh, well. uh, और अब मैं जब बैठ के सोचता हूँ कि किस रीजन से नहीं की तो मुझे बिल्कुल बेवकूफी लगती है क्या रीजन थे बहुत ही बहुत ही बेकार रीजन थे यार मतलब ऐसे रीजन की मतलब अपने आप को बोलते भी शर्म एक तो सुना दो तो भाई यार हक कहते ना तो बनता है हाँ <laughs> uh, नहीं फॉर सम रीजन ऑफ दी अदर यार आई मैं मूड के पर था क्या हाँ कुछ था कुछ तो थॉट प्रोसेस था और अब आदमी सोचता है कि यार क्यों नहीं की समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं की एक तो वो कुछ हुआ दूसरा ओवर कमिटमेंट टू प्रोजेक्ट्स वेयर द अदर प्लेयर्स आर नॉट एज कमिटेड वो मेरी सबसे बड़ी दो मिस्टेक्स हुई हैं बाकी तो आई वुड नॉट से दैट आई शुड नॉट हैव डन दिस मूवी दैट मूवी जो भी मैंने पिक्चर की बड़े दिल लगा के की और वो मैं करना चाहता था मैंने एक दो ही ऐसी पिक्चरें की हैं जिसमें मैं कि चलो कर लेते हैं अदरवाइज़ मैंने हमेशा कि अच्छा ये है ऑल राइट ना मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बड़ा उससे किया था एंड फेट ऑफ मूवीज़ तो यार अभी कौन जान सकता है वो ना एक बाई uh, एसोसिएशन होता है

Finally Sandeep Reddy venga who's made not too many films and not a big name in Bollywood at that time, came here and made that uh, spectacular film and which made him that. So you never know about these things, brother. Uh, I at least don't. तो जो फिल्में आपने रिव्यूज़ की जब कोई और करा तो स्क्रीन में आपने देखी आप ये करते हैं अरे यार काश मैं करता नहीं नहीं मैं तो ये सोचता हूँ इससे तो अच्छा ही करता है यार बाय आप uh, <laughs> आप खड़े हो गए थे आलिया भट्ट के लिए जब कंगना उनको क्रिटिसाइज करी थी लेफ्ट राइट सेंटर आप तंके की चोट खड़े हो गए आलिया के लिए क्यों देखिए आलिया हाईवे बनाते बनाते आलिया से मेरा एक बहुत ही रूहानी एक रिश्ता बन गया था उसके लिए बना नहीं बना दैट्स अप टू हर मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि उसने हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है तो एक जेन्यन स्टैंड अप था उसके लिए बिकॉज एक अनफेयरली टारगेट किया जा रहा था और सेम लाइक सावरकर जी ऑल्सो आई स्टूड शुडअप फॉर आलिया बिकॉज इट वॉज एन अनफेयर टारगेटिंग एंड एंड टू टारगेट योर फेलो एक्टर्स और योर कलीग्स और वट ड यू कॉल इट योर फ्रटर्निटी फॉर ओवर थिंग्स दैट यू फील यू डि नॉट गेट दो आई थिंक यू डेड कॉर अ लॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री

और रणदीप हुआ तो जान डाल देते पे, uh. जीते है ये आई नेवर फेल दैट फियर दो जोकिंगली ऐसे की जल्दी कर लो नहीं तो कोई और कर लेगा बट uh, नहीं और ऐसा बात नहीं है साराघरी मूवी वेंट ऑन इन द मेकिंग फॉर थ्री इयर्स उसमें Uh, किसी और का दोष नहीं था जो लोग इन्वॉल्व थे उन्हीं का दोष था uh, इसमें कोई दो राय नहीं है और दूसरा uh, वीर सावरकर की बायोपिक में वो भी जो लोग इन्वॉल्व थे उन्हीं का दोष था पिक्चर की शूटिंग तो पचपन दिन ही की थी मैंने पर दो साल से बना रहा हूँ दैट इज़ वट रियली बॉदर्स यू दैट मे बी एंड उसके अंदर फिर दो साल अपना पिक्चर महीनों महीनों शेल्व हो जाना उसको दोबारा रिवाइव करना पैसे इकट्ठे करने इट्स मैं अपने आप को एक चीज की दाद देता हूं कि मैं गिर गिर के उठता रहता हूं <laughs> और मैं इस पिक्चर को भी यार एंथुजियाजम आप खोदो तो फिर चल ठीक है यार मैं भी नहीं करता चल ठीक है यार मैं भी नहीं करता वो मैं नहीं करता हूं पर जितना मेरे को अभी मैं सोच रहा हूं जैसे ही मैं वो करूंगा ना लोग लाइन पे आ जाएंगे कभी थक जाते हो बैटल से फिल्म रुक जाना फिर स्टार्ट करना फिर रुक जाना बैटल ऑफ सारागढ़ी हो वीर सावरकर हो बहुत बहुत इमोशनली ट्रेनिंग आउट होता हो बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रेनिंग होता कभी है, बोलते है। हो कि बस हाँ नहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रेनिंग होता है और ये ऊपर से यू आर इन यू आर इन अ फिजिकलिटी ऑफ ए सर्टन का सारागढ़ी में वी एड था और वेट पुट ऑन किया था मैंने और इसके अंदर वेट लॉस बहुत ज्यादा था तो so, बहुत ज़्यादा आप टूट भी जाते हो कई बार और वो फिर आप तो क्या झेलते हो यार आपके आसपास वाले लोग ज़्यादा झेलते हैं फैमिली की बात करें फैमिली फ्रेंड्स ऑल रिलेशनशिप्स दे ऑल स्ट्रेन एवरी रिलेशनशिप स्ट्रेन्स बिकॉज यू आर इन दैट दैट स्टेट एंड इट्स समथिंग यू कैनॉट हेल्प कंट्रोल ऑल्सो सो दैट इज़ अ वेरी बिग बहुत uh, झेलना पड़ता है मेरे आसपास के लोगों को ज़्यादा झेलना पड़ता है पर हमेशा यही एक इच्छा रहती है ना यार कि शायद अगला आसान हो जाएगा तो झेलना नहीं पड़ेगा काम में वैसे भी कोई कमी नहीं थी काम में वैसे भी कोई कमी नहीं जितना तकलीफ अब झेल झेल के तकलीफ़ें थोड़ी कम हो जाए और काम तो वैसे भी शिद्दत से करते हैं तो, तो शायद एक लाइफ एक और कंफर्टेबल हो जाएगी अभी शादीवादी भी हो गई है थोड़ा और फैमिली वैमली के बारे में सोच रहे हैं अभी घर वर के बारे में सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिसमें कि मैं मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ मेरी तो शादी भी इस पिक्चर के बीच में ही हुई जैसे ही मेरे बाल वापस आए क्योंकि हेड फॉर दिस मूवी तो तब से तो मैं तो उसको कहीं लेके ले भी नहीं जा पाया हूँ रात को लेट पहुँचता हूँ सुबह निकल जाता हूँ या वो कहीं निकल जाती है बातचीत ही नहीं हो पाती है फोन पे बात करते हैं कुछ नहीं हुआ अभी कुछ नहीं हुआ अभी तक कुछ नहीं अंडरस्टैंडिंग है वेरी नाइस मैंने उसको बोल दिया था भाई मेरी पहली शादी मेरे काम से हो चुकी है और फिर काम में भी एवोल्यूशन होता रहता है यार आपको इवॉल्व करते रहना पड़ता है मैनेजमेंट में भी रिवॉल्व करते रहना पड़ता है काम की तो वो सारी चीज़ें अभी मेरे से जितना हो पाता है मैं कर रहा हूँ यार पर आप बाकी सब छोड़ो ना यार आप कला देखो भाई कला कला में कोई कमी हो तो बताओ पिक्चर आप, आप मैं तो जो सेयर्स से, हैं उनको बोलना चाहता हूँ यार एक बार देख के तो देखो पगेट पॉलिटिक्स फिल्म मेकिंग देखो यार <laughs> कैसे जमा टिका के मैंने फ्रांस में इसका म्यूजिक करा है आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कही थी कि जब आप डिफिकल्टीज में जाते हो इर्द गिर्द जो फैमिली होते हो उनको बहुत झेलना पड़ता है क्या हमारी भाभी लिन उन्होंने देखा आपको ये फेजेस में उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया आपका ये एंगस्ट बिल्कुल बिल्कुल बहुत भिल्कुल बहुत किया है और मेरे रेणुका पिल्ल या हेयर मेकअप और पंकज वंकज जो कि मेरे बिल्कुल एक बिल्कुल एक एज एन एक्टर मेरे दायरे में रहते हैं तो इन्होंने तो सावरकर uh, जी की बायोपिक में इनको तो मैं टाइम ही नहीं देता था हालांकि मैं मेकअप इज सो डिटेल्ड आई ऑलवेज कीप फाइटिंग विद देम आई डोंट हैव टाइम आई मेक अ मूवी देन ऑन सेट देर बहुत मतलब और उन्हें नहीं मेरे पूरे क्रू ने माय डीओपी ओ के हु वाज मोस्ट क्लोजली आई वाज वर्किंग विद अगर उसने मुझे बहुत झेला और बहुत अंडरस्टैंड करके लिया ही ही न्यू द मैडनेस ऑफ क्रिएटिविटी दैट आई वाज गोइंग थ्रू एंड द मैडनेस ऑफ द एज एन एक्टर एंड ही रियली नेवर वंस यू नो यू नो रेज द एनी ऑब्जेक्शंस टू द मैडनेस एंड ही अंडरस्टूड इट एंड ही वाज द वन बिकॉज इफ ही हैड ऑब्जेक्टेड देन इट वुड हैव गॉन ऑल माय क्रू माय कास्ट एवरीबॉडी वाज लाइक It was a very uh, yeah, but that's who Mr. Savarkar was somewhere, and um, that comes through every frame of the movie. It's just it's laden with that kind of. Are you feeling text. relaxed in life now? Oh, I'm. I, I'll. 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 i am thinking of moving on from this project, but it keeps dragging me back in. एक <laughs> <laughs> Oh yeah, to? yeah. अभी I have to wrap up the finances also and.

Last, Salman Khan is dot dot dot. He's he's a bro, man. He's a bro. He's good. We get along well.